बच्चों की मनोरंजक कहानियाँ। एक समय पहले भैरवी नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। शादी के उम्र आए हुए अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढने के समय में एक शुभ कार्य में एक सुंदर सी औरत को देखती है। यही मेरी बहू बनेगी। ऐसे अपने आसपास के लोग को खुशी से बोल के उस औरत के माता पिता के पास जाके बात करती है। पति चंद्रशेखर और बेटा विग्नेश को बुला के उस औरत के बारे में बोलती है। माँ, मेरे उस लड़की को देखे बगैर ही तुमने रिश्ता बात कर लिया। बेटा, अगर मुझे एक लड़की इतना पसंद आई कि मैंने उसे सीधा अपना बहू मान लिया तो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें पक्का वो बहुत पसंद आएगी। ऐसे अपने परिवार के साथ उस लड़की के घर जाती है। वहाँ लड़की को देख विग्नेश उस पे लट्टू हो जाता है। ऐसे भैरवी विग्नेश और नैना की शादी करवाती है। शादी होने के बाद पहले दिन ही नैना सुबह उठ के खुद सारे काम करना शुरू करती है। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ऐसे सास को कॉफी देकर घर पूरा साफ करके नहा के भगवान की पूजा करती है। ये सब देख के भैरवी अपने पति चंद्रशेखर से कहती है, देखा आपने, मेरी बहू कितनी तेजी से सारे काम कर रही है। ये सुनकर चंद्रशेखर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद बहू को ढूंढते हुए भैरवी रसोई घर में जाती है। बहू, खाना बनाना हो गया, आपके ससुर का खाने का समय हो गया। सासू माँ की बातें सुनकर नैना हाथ में झाड़ू लेके आती है। जी सासू माँ, घर की सफाई करके नहा के भगवान की पूजा करके तब खाना पकाऊंगी। हाँ, ये क्या बहू, अभी अभी तो सारा काम कर लिया तुमने, मुझे कॉफी भी दिया तुमने, वापस झाड़ू पकड़ी हो, जाओ जाके खाना बनाओ। हाँ, मैं तो अभी उठी, सासू माँ क्यों कह रही है कि मैंने सारे काम कर लिए, क्या मैंने सच में सारा काम कर लिया? ऐसे जब सोच के पूरा घर देखती है तो सारा साफ नजर आता है और पूजा के कमरे में भी दीप जलते दिखता है। मैंने तो सच में सारा काम खत्म कर लिया, ऐसे कैसे भूल गई? भुलक्कड़ बुद्धि मेरी, जाके जल्दी से खाना पकाना है। ऐसे सोच के जल्दी से खाना बनाना खत्म करती है। क्या मैंने पोहा में नमक डाला? ऐसे दो बार नमक डालती है। अपनी सास ससुर को खाना लगाने जाती है और खुशी से उन्हें खाना परोसती है। पोहा को मुंह में डाल के नमकीले होने के कारण भैरवी कहती है, ये क्या है नैना, सुबह झाड़ू करके वापस करने निकली, पोछा मार के वापस मारने गई, दीप जला के वापस करने गई, अब भी लगता है कि पोहा में नमक दो बार डाली है तू, इसीलिए इसे खा नहीं पा रहे हैं। मुझे तुम्हारा समस्या समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कह के वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। नैना उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती है और भुलक्कड़ होने के कारण ये सब भूल भी जाती है। अरे रे, मेरे पति उठ गए होंगे शायद, मुझे उनके लिए कॉफी लेके जाना है। ऐसे अपने पति विग्नेश के लिए कॉफी लेके जाती है। ये लीजिए कॉफी। हाँ, 30 मिनट पहले ही तो कॉफी दिया तुमने, वापस क्यों दे रही हो? मैं वापस नहीं पी सकता, जल्दी से टिफिन लगाओ ना, खा लूंगा। जब नैना अपने पति के लिए टिफिन लगा रही होती है तब भैरवी अपने बेटे को जो कुछ भी हुआ बताती है। लगता है कि बहू पे किसी का बुरा नजर पड़ गया, मैं एक पूजा करवाऊंगी तभी सब संभल जाएगा। ऐसे बेटे से कह के यही बात बहू को बताने जाती है। बहू, हमारे घर में कल एक पूजा रखी है मैंने, हमारे अड़ोस पड़ोस के औरतों को जाके बुलाओ। जी माँ जी, ऐसे कहती है कि सबको बुला के आएगी। सबसे पहले सुगना के घर जाती है। सुगना दी, कल घर में पूजा रखी है, आपको जरूर आना पड़ेगा, सासू माँ ने ये कहने के लिए मुझे भेजा। वहाँ से वैभवी के घर बुलाने जाती है। तब कल क्या सुगना भी आ रही है भाभी? हाँ जी, अभी मुझे बस जाके उनको बुलाना होगा,
अब ठीक है। ऐसे सुगना के घर दोबारा जाती है उसे बुलाने। सुगना को ये सब समझ में नहीं आता है और इसकी बात करने वैवी के घर जाती है। ऐसे आसपास के सारे लोग नैना के व्यवहार को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सच्चाई जानने पूजा को भी आते हैं। पूजा में नैना को किए हुए काम दोबारा करते देख सबकी बातें सुन के भैरवी बहुत निराश होती है। पूजा के खत्म हो जाने के बाद बेटे को बुला के सच कहती है। विग्नेश, नैना को भूल जाने की बीमारी है, इसीलिए वो किए हुए काम दोहराती है। उसके वजह से मैं अपने जान पहचान के लोगों के सामने एक मजाक बन गई हूँ कि चुन चुन के एक भुलक्कड़ बहू को ही घर ले आई। ऐसे मेरा मजाक उड़ाना मैं सहन नहीं कर पा रही, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, आज के दिन में नैना जैसे सुशील लड़की का मिलना ही बहुत है। वो खाना बना लेती है, अकेले ही घर का सारा काम करती है, आए हुए रिश्तेदारों का अच्छा स्वागत करके उनका ख्याल रखती है और ऐसे बहुत कुछ। मुझे नैना बहुत अच्छी लगी है माँ। इस समस्या का हल मेरे पास है, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आप खुद नैना में बदलाव देखेंगी। ऐसे कह के नैना को एक पुस्तक देता है। नैना, अब से तुम जो भी काम करती हो इस पुस्तक में लिख के उसे कहीं चिपकाओ। ऐसे तुम्हें दिखेगा कि कौन कौन से काम तुमने कर लिया है, और ऐसे ही अगर कुछ दिन तुम करोगे तो काम वापस नहीं दोहराओगे और तुम्हारा बीमारी भी ठीक हो जाएगा, ऐसे मुझसे डॉक्टर ने कहा है। विग्नेश की बातें मानकर उसके दिए हुए सलाह के पालन करके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। भैरवी के आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाना बंद करके नैना को उसकी सुंदरता, सुशीलता और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करते हैं। उसको दूसरे लड़कियों के लिए आदर्श की तरह भी दिखाया जाता है। ऐसे एक अच्छा जीवन निभाती है नैना।